देश पर बढ़ा कर्ज का बोझ। मोहन सरकार ने फिर लिए 5,000 करोड़ रुपए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा बदलाव तब हुआ जब शिवराज सिंह चौहान की जगह सीएम मोहन यादव को बना दिया गया। पीएम मोदी ने भरोसा जताते हुए मोहन यादव को मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन क्या आप सीएम मोहन से मध्य प्रदेश नहीं संभल रहा है? ऐसे सवाल हम नहीं, ऐसे सवाल जनता उठा रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश कर्ज में डूबता नजर आ रहा है। चलिए आपको भी बताते हैं क्या है पूरा माजरा। दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है, जिसे सवाल सीएम मोहन पर ही उठाए जा रहे हैं। मोहन सरकार ने लिए 5,000 करोड़ रुपए। दरअसल एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने एक बार फिर से कर्ज लिया है, और कर्ज भी 5,000 करोड़ का। जी हाँ, मध्य प्रदेश सरकार ने 20 फरवरी को बाजार से 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है, और ये कर्ज 3 हिस्सों में बटा हुआ है, यानी 3 हिस्सों में लिया गया है। आरबीआई के माध्यम से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का विक्रय कर ये कर्ज कुल 3 हिस्सों में लिया गया है। पहला कर्ज 1500 करोड़ 16 वर्ष के लिए लिया गया है। दूसरा कर्ज 1500 करोड़ जो कि 20 वर्ष के लिए लिया गया है, और तीसरा 2000 करोड़ का 21 वर्ष में चुकाया जाएगा। तो इस तरह से कुल 5,000 करोड़ का कर्ज मोहन यादव सरकार ने लिया है। अब तक कितना कर्ज ले चुकी है मोहन सरकार? अब तक मोहन यादव सरकार 32,500 करोड़ का कर्ज ले चुकी है। इससे पहले 2023-24 में 27,500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया था। अब इसमें 5,000 करोड़ कर्ज को जोड़ दिया जाए तो कुल 32,500 करोड़ हो गए हैं। यही कारण है कि लोग सवाल उठा रहे हैं कि मोहन यादव मध्य प्रदेश को कर्ज में डुबो रहे हैं। इसके साथ ही बात शिवराज सिंह चौहान की भी आ रही है, क्योंकि जब वो भी सीएम थे तो उनकी सरकार में भी कर्ज लिया गया था। कांग्रेस ने कसा तंज। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इसको लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। जीतू पटवारी ने लिखा है, मध्य प्रदेश सरकार 20 फरवरी को बाजार से 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। आरबीआई के माध्यम से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का विक्रय कर ये कर्ज कुल 3 हिस्सों में लिया जाएगा। पहला कर्ज 1500 करोड़ 16 वर्ष, और इतनी ही राशि का दूसरा कर्ज 20 वर्षों के लिए लिया जाएगा। 2000 करोड़ का तीसरा कर्ज 21 वर्ष में चुकाया जाएगा। तीनों ही कर्ज पर साल में 2 बार कूपन रेट पर ब्याज का भुगतान भी किया जाएगा। आगे पीएम मोदी पर सवाल उठाते हुए जीतू पटवारी ने लिखा, नरेंद्र मोदी जी के चुनावी वादे और मोदी की चुनावी गारंटी के बावजूद लाडली बहनों को 3,000 प्रतिमान नहीं दिए जा रहे। धान का समर्थन मूल्य 3100 प्रति क्विंटल घोषित करने के बावजूद नहीं दिया गया, वही गेहूं को लेकर भी 2700 प्रति क्विंटल सिर्फ चुनावी जुमला ही साबित हो रहा है। तो कुछ इस तरह से जीतू पटवारी का इशारा यही है कि मध्य प्रदेश की सरकार कर्ज पे कर्ज तो लिए जा रही है, लेकिन जनता का वादा पूरा नहीं कर रही है। तो आखिर कर्ज किस बात का? फिलहाल जिस तरह से जीतू पटवारी ने सवाल उठाया है और जिस तरह से मोहन यादव सरकार कर्ज पर कर्ज लिए जा रही है, उस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।